والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر. أرواهنا وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى التمام سور تمام لجميع المؤمنين والمؤمنات تمام علماء الكرام تمام شوده الملت لكليه هم سبك اباء واجداد وائزه ورشدارون لكليه رحم الله من قرأ الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين دن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم इर्शाद खुदावन व वाली है कि ऐ मेरे हबीब कह दो कि मैं तुमसे अपनी रसालत की कोई भी उजरत तलब नहीं करता मगर ये कि मेरे रबा से मवदत करो। और यही मवदत रसालत की उजरत है और हमेशा की तरह मैं एक जुमला कहता हूँ कि जब तक उजरत ना दी जाए तो उसके एवज़ जो भी चीज़ है वो लेना जायज़ नहीं है बस जिस चीज़ का भी कोई मुआवजा हो चाहे वो किसी जाहिरी एतबार से नज़र आने वाली चीज़ का हो जैसे घर या कोई भी सामान तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर लें और जहन में ये हो जैसा कि यहाँ पर बाज लोग करते हैं यूरोप अमेरिका में कैनेडा में कि उनके जहन में ये होता है कि सर्दियों में तो ये खाली नहीं कराएगी गवर्नमेंट बाज लोग करते हैं ये सब क्रिमिनल काम लिहाजा डेढ़ दो तो महीने का हम किराया दे देंगे अब ऐसी प्लानिंग करते हैं कि फिर ये सर्दियां तो गुजार ही लेंगे तो अगर वो डेढ़ दो महीने किराया दे भी रहे हैं क्योंकि उनकी उनका जो इरादा है वो गस्ब का है तो उस घर में ना उनकी नमाज होगी ना गसल होगा ना वजू होगा ना नमाज होगी इसी तरीके से अगर कोई सोचे कि मैं होटल में जाकर रहूं और किसी तरह से निकल जाऊंगा। अब यहाँ तो ये यह पॉसिबल नहीं होता क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ऐसा तरीक़ा होगा ज़हन में हो कि मैं निकल जाऊँगा तो उस कमरे में भी उसका गसलो वज़गो नमाज नहीं होगा और अगर कहीं खाना खाया है तो वो खाना गो के हलाल हो और सोचा हो कि मैं इसकी उजरत नहीं दूंगा तो वो खाना भी हराम हो तो इस कस्म की सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं कि जब तक उजरत ना दी जाए आप कोई और मिसाल भी दी जा सकती है किसी अमल की मिसाल के तौर पर किसी से नमाज पढ़वाई या रोजे रखवाए और उजरत नहीं दी तो ये भी हराम काम होगा और अगर उजरत नहीं दी तो वो जो नमाजें पढ़वाई हैं वो जो रोज़े रखवाए हैं वो नहीं माने जाएंगे यानी वो कल हो गए कलदम यानी जैसे कि अदम जैसे कि हुए ही नहीं तो यही मामला है दीन का कि अशरफ वल्बिया से दीन लेने की एक उजरत अल्लाह अल्लाबहना तला ने मीन फरमाई अल्लाह सुबहाना तै ने कि जो तमाम आलमीन का रब है और तमाम आलमीन के लिए जिसको रहमत करार दिया है उससे दीन लेने के लिए एक शर्त करार दी है कि इनकी इनके कुरबा से मबदत करनी है यानी कल मोहब्बत तो हो लेकिन वो मोहब्बत जाहिर हो अब ये जो मोहब्बत है किस चीज के लिए करार दी उनसे दीन लेने के लिए तो अब अगर कोई उनके कर्बा से मबदत नहीं करता तो जो दीन वो समझ रहा है कि मेरे पास है तो दर हकीकत उसके पास नहीं है क्योंकि वो मुसलमान हुआ है इस दीन की वजह से तो वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है दर हकीकत वो मुसलमान नहीं है वो दर हकीकत मुनाफिक है और हमें खुदाबंद तबारक तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उन लोगों में से हैं कि जो बेहुक्म खुदाबन तबारक तआला जो हुक्म रबुल आलमीन रहमतमीन की शरीयत को और दीन को हासिल करने के लिए उनके हुक्म से उजरत को अदा करते हैं और ये उजरत जो है एक दफा के लिए नहीं है याद रखें जब तक आप चाहें कि ये दीन आपके पास वैलिड तरीके से रहे उस वक्त तक आपको हर लहजा उनके क़रबा से मबदत का इजहार करना है ये एक दफ़ा वाला मामला नहीं है ये अब ये कर्बा कौन है तो सबके बारे में सवाल किया जा सकता है लेकिन जनाब सैदा मौला अमीर मौमिनिनी इमाम हसन इमाम हुसैन आलमलम के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता कि क्या ये कर्बा हैं या ये कुरबा है इनके बारे में सवाल नहीं हो सकता ये तो अंडरस्टूड स्टूड कुरबा है ही बस जो चीज अंडरस्टूड हो उस पर बात की जाए कि अगर कोई जनाब सैयदा को डराए या धमकाए और कोई ये जानने के बाद कि किसी शख्स ने डराया या धमकाया आज ये बात की जाती है कि जी हाँ डराया था धमकाया था दर जलाया नहीं था तो हम कहते हैं खबासत के लिए और दीन से निकलने के लिए डराना ही काफी है कि एक मिसाल कि जो मैं कई दफा दे चुका और ये मिसाल आम होनी चाहिए क्या मुस्लिम लीग में कोई रह सकता है अगर मरियम नवाज को धमकी दे दे या उसकी मेंबरशिप बातल जब होगी जब मारेगा क्या पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर को और उसके बच्चों को और पूरे घर को जलाने की कोई धमकी देता और न फकत धमकी हमला कर भी देता लेकिन ये सहन में रखें सेवेंटी क्लिफ्टन के इर्द गिर्द मजमा खड़ा कर दें आप जो कह रहे हैं हम जला देंगे और मार देंगे दुनिया में कौन ऐसा है कि जो इन लोगों को अभी भी पीपल्स पार्टी का समझेगा अब अगर ये ओजर ख्वाही कर भी लें और फिर हम देखें कि हर दफ़ा दुश्मन के साथ खड़े होते हैं ये तो क्या कोई दुनिया में ऐसा है कि जो इनकी उजर खाही को भी मानेगा या मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के घर पर कोई लोग हमला करें और पूरे घर को घेर लें और कहें कि नवाज शरीफ की बेटी को यानी मरियम नवाज को और बेट बच्चों को और उनके शहर को जो है हम जला के मार देंगे अगर हमारी ये बात नहीं मानी तो कौन कहेगा कि बाबा ये वाकन इस पार्टी के सरबरा को इज्जत देते हैं अगर इज्जत देते होते तो बेटी से ये लबो लहजा अख्तियार करते क्या कोई भी इन लोगों से मुखलिस शख्स इन लोगों के इस लहजे को माफ कर सकता है यानी पहले यह वाक़न सवाल किया जाए आवाम से कि क्या मुस्लिम लीग वाले मरीम नवाज को धमकी देने वालों को और मोहब्बत करने वालों को बराबर समझते हैं और धमकी भी ऐसी कि प्रैक्टिकली जलाने आए हम तो कहते हैं मारा भी और जलाया भी हम यह बात कर रहे हैं उन लोगों के हिसाब से जो कहते हैं कि हाँ सिर्फ धमकी दी थी अभी जलाया मारा नहीं था हम तो वही बात कर रहे हैं जब गुफ्तू की जाती है तो बाज दफ़ा सामने वाले के नजरिए के हिसाब से बात की जाती है कि सामने वाला इस बात को तो अंडरस्टूड कर मान रहा है ना कि ये तो हुआ था चलो इसी पे बात कर लें ज्यादा की जरूरत नहीं है मिसाल के तौर पर कहीं पर हंगामा हुआ मारने और गाली देने पर और सामने वाला मां कह रहा है कि नहीं मैंने मारा नहीं था गाली जरूर दी थी तो कहा जाएगा चलो तुम्हारी गाली देना अच्छा काम था या वो ये कहें उसके लोग के नहीं चाकू जरूर मारा था लेकिन मरे नहीं थे तो कहते चाकू मारना अच्छा काम था गाली देना अच्छा काम था तो यहां भी अलहमद इस वक्त दुनिया में इस मीडिया की बरकत से लोग जान गए हैं कि अशरफुलंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला के के बाद उनकी साहबजादी के घर का घेराव हुआ और घर को जलाने की धमकी दी गई गो के जलाया भी गया और मारा भी गया उनकी साहबजादी शहीद हुई ये हम दोबारा कह रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि हम भी ये सोचते हैं कि नहीं ना हम ये बात कर रहे हैं उन लोगों के हिसाब से कि जो इतना ज़रूर मान रहे हैं कि जनाब सैदा को डराया गया और घर जलाने की धमकी दी गई तो अल्लाह का शुक्र ये चीज़ें हम मशहूर हो चुकी हैं और तदरीजन बहुत सारी चीज़ें मशहूर होंगी और मजाले से इमाम हुसैन का असल हदफ ही यही है कि रसूल और आल रसूल के सही मकाम को बयान किया जाए और उनके मुकाबले में आने वालों की हबासत को बयान किया जाए और उनके मुकाबले में आने वालों के चेहरों से नकबों को नोचा जाए और ये हम पहले भी गुफ्तू कर चुके हैं कि अहल बैत के दुश्मनों के दिफा के मुख्तलिफ तरीक़े इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और बार बार करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एक ख़तरनाक तरीन काम है जो हमारे यहाँ हो रहा है कभी ये कह के कि जी अमरबिलमूफ और मजलिस में बिल्कुल होना चाहिए लेकिन अगर अमर बिलमूफ़ फ़ायल एहलैत को और दुश्मनने के अहिल बैत के जिक्र को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो अगर तलावत कुरान भी इस्तेमाल हो तो सही नहीं है वो अगर अल्लाह का नाम भी इस्तेमाल हो तो सही नहीं है इसकी दलील क्या है कि जब अहल बैत की आवाज़ को दबाने के लिए यजीद के दरबार में अजान दी गई तो उस अजान देने वाले पे भी लानत है और वह अजान भी अजान नहीं है और उस मंबर को भी मामलाउद्दीन सलाम ने मंबर नहीं कहा हाजहिल औदाज कहा इन लकड़ियां बस अगर ये मंबर रसूल आल रसूल के लिए इस्तेमाल ना हो तो फिर यह मंबर रसूल नहीं ये लकड़ियां हैं गंद है बल्कि ये मुकद्दस जगह वो होगी कि जिससे रसूल आल रसूल का जिक्र होगा और अगर उस जगह से रसूल आल रसूल के दुश्मनों के लिए दिल को नरम किया जाए उनके फजाइल पड़े जाएं तो वह जगह मुकद्दस नहीं है वह गंद है हत्ता गटर से ज्यादा हबीज़ जगह है वो क्योंकि गटर से गंदा पानी उबलता है उससे किसी के अकीदे नहीं खराब होते गटर से बदबू निकलती है किसी के अकीदे खराब नहीं होते बस अगर कोई ऐसा मेंबर हो जहां से दुश्मन अहले बैद के लिए राह को हमवार किया जाए याद रखें कि वो जगह गटर से बदतर है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो हमेशा हम तवज्जो दिलाते हैं कि इस मामले में कॉम्प्रोमाइज कं नहीं होना चाहिए हक बयान करना चाहिए और इल्मी तरीके से बयान करना चाहिए और इतनी बड़ी तादाद जो आज मौजूद है अहिल बैतमलम के चाहने वालों की जिस तरह से हमारा कत्ल आम किया आज ये तादाद ना होती अगर ये तादाद है तो ये इसी वजह से है कि हक़ को बयान किया यानी अहकाकुल हक किया कि जिनका हक़ था उनको ज़ाहिर किया इबितबातिल किया जो बातिल थे उनका इब्ताल किया उनके चेहरों से नकाब हटाई तब जाके लोगों को पता चला सलबात पढ़े बर महम्मद वाले महमद पिछले से पिछली दफ़ा जो हमारी गुफ्तु थी जाहिर कुछ फ़जाइल अहिल और मसायब से रिलेट है और एक मौजूद था इंसानियत से रिलेट और खसूसा उसमें ममिन की खदमत से रिलेटेड इंसानियत का जो मौजू है बहुत वसी है पहले मरले में तमाम इंसान फिर कैटेगरीज़ बनती चली जाती हैं माँ बाप भी उसमें आते हैं बहन भाई भी उसमें आते हैं पड़ोसियों का भी उसी में हक़ हाँ है लेकिन ये जहन में रखें कि जब बात हो तो तमाम इंसानों की खिदमत करें तमाम इंसानों के लिए अच्छा करें तमाम इंसानों के साथ फेयर रहें अलबत् फ़ेयर रहने में ये भी जहन में रखें कि एक अहम तरीन जो खिदमत होगी अहिल बैतम सलाम की कि जो लोग उनसे मनसूब हैं यानी शिया, वो ऑफिस में बहुत फेयर हों लोगों के साथ हेल्पफुल हों लोगों को सही गाइड करते हों ताकि हर जगह लोग ये कहें कि देखो अगर ब्रोकर के पास जाना तो क्या करना शिया को देखना ये फेयर लोग होते हैं फलाना काम करना तो किसी शिया को देखना फेर लोग होते हैं अगर ये ऐसा किसी ने काम किया तो समझे दर हकीकत वो अहिल बैतम सलातम की जानब दावत दे रहा है और इसी के लिए फरमाया इमाम जाफर सादक सलातम ने कन दुआतन बैर अलसनत कुम हमारी जानेब दावत देने वाले बनो बग़ैर ज़बान के अब यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि ज़बान इस्तेमाल ना करो ना ज़बान तो तमाम अम्बिया ने और तमाम ओसिया ने और तमाम आयमा ने इस्तेमाल की तमाम उलमा की जिम्मेदारी है ज़बान इस्तेमाल करें लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज़बान के साथ साथ जगह हम जबान नहीं इस्तेमाल कर सकते मिसाल के तौर तो पर आप अच्छे ब्रोकर हैं यानी रियल्टर हैं या किसी आ, पब्लिक के काम में हैं तो क्या हर जगह कोई तबलीग करेंगे आप ना वहाँ पर ये हो कि तदरीजन लोगों को पता चले कि देखो ये शिया जो हैं ये अलग लोग हैं बिल्कुल आम नहीं हैं मिसाल के तौर पर रियल्टर हो तो वो वाज कहे कि ना ये मैं आपका काम करा सकता हूँ मैं इस पर इतने कमा सकता हूँ लेकिन ये आप ना करें तो अच्छा है करना चाहें तो मैं कर दूंगा कोई गोल्ड स्मिथ का काम कर रहा है और सारी जगह से कोई आए और कहे कि जी मुझे इस जेवर के कोई भी नहीं दे रहा मिसाल के तौर पर इतने पर्स करें दस हज़ार रुपये से ज़्यादा या यहाँ का हिसाब रख लें मस दो सौ डॉलर से ज़्यादा तो वो जो शिया गोल्ड स्मिथ वाला या सोनार कि जिसके साथ पंचतन के नाम लिखे हुए हैं तो वो कहे कि ना 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 ये इससे ज़्यादा का है और क्योंकि आप परेशान हैं लिहाजा में आपसे फ़ायदा भी नहीं लेता ये लीजिए ऐसी ले जाइए एक वाक़ जो मैं बयान करता हूँ बाज़ दफ़ा खुद मैं और हमारी मिसेस कराची में हैदरी मार्केट है वहाँ एक सुनार के यहाँ गए और बड़ी दुकान हैदरी की दुकान तो आज तक हमें अफसोस होता है कि थोड़ी देर में हमने डिसीजन लिया तो वह यह कि खातून के जो बहुत ही सादे लिबास में थी और दो अदा टॉप्स ये भी नहीं कि बड़े बड़े को बंदे हों दो अदा सिंपल टॉप्स वो बेचना चाह रही थी अब कितनी क़ीमत थी मुझे याद नहीं ज़ाहरा वो कह रही थी 2500, वो कह रहे थे 2200 या शायद 2000 हज़ार बेलाखिर ऐसे ही कोई बारगेनिंग थी और वो चली गई जब वो चली गई ख़ातून के खुदाबंद तबारक बताला वह जो भी है मुसलमान गैर मुसलमान जो भी अल्लाह उसकी मुश्किल को हल फरमाए जब वो चली गई तो मैंने जो है वो दिल चाह मैं सोनार से बात करूँ एकदम से शैतान ने रोका मसन क्यों इंटरफेयर करें नाराज़ हो गया तो क्या होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद दिल में नाराज़ हो गया तो क्या करेगा निकाल देगा ज़्यादा अपना नुकसान करेगा और नाराज़ क्यों होगा क्या कर लेगा बिगाड़ क्या लेगा निकाल देगा ज़्यादा अपना नुकसान करेगा हम नहीं लेंगे इससे तो मैंने कहा कि भाई साहब एक बात करनी है अगर आप बुरा ना माने ये खातून कुछ बेचने आई थी जी मैंने कहा बाहिर तो परेशान लग रही थी कि जी जी जाहिर मैंने कहा ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था कि बेच के कुछ और लेना चाह रही हैं लगे जी मैंने कहा क्या कह रही थी तो उसने वो फिगर बताया जहाँ तक मुझे याद है वो छोटी टॉप से ऐसे दस पंद्रह साल पहले की बात है मसन दो हज़ार या चार हज़ार तो मसन वो कह रही थी कि इसमें जो चार सौ ऊपर कर दो तो मैंने कहा वैसे एक्चुअल इसकी प्राइस कितनी होती है अगर आप जितना भी गोल्ड था वो कहते हैं ना इसमें टाँका है और कुछ मिक्सिंग है मैंने कहा एक्चुअल प्राइस क्या होती है इसकी कहना एक्चुअल तो हाँ थी मसन इतने की फर्ज करें मसन पाँच की बल्कि और ही ज़्यादा की वो शे की यानी चार के ये ले रहे थे वो कह रही थी साढ़े चार दे दो होगा कम से कम पाँच साढ़े पाँच का मैंने कहा बात कहूँ बुरा मतमानिएगा आपको अल्लाह सुबहाना तारा ने दुकान दी है जिसमें लाखों का इस वक्त गोल्ड लगा हुआ है ज़ाहिर बड़ी दुकान थी मैंने कहा हम नहीं कहते कि इस किस्म की खातन से आप को आप दें ना दें नहीं इस किस्म की खातिन के लिए आप ये सोच लें कि मुझे अल्लाह ने इतना दिया है इनसे मैं फायदा नहीं लूंगा जितने का गोल्ड है उसने का दे दूंगा फायदा नहीं लूंगा बस ये सोचें जिस अल्लाह ने आपको इतना दिया है उस अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से उसका गोल्ड जो परेशान कस्म के हैं वो भी ज़ाहिर है कोई मनो में तो नहीं लाएगी फिर इंसान क्या है ये मनो में ला रहे हैं तो बेवकूफ़ बना रहे हैं थोड़ा सा गोल्ड है सही है जो इसकी असल प्राइज़ है इसको मैं दे दूँगा तो मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं था मैंने कर क्या लेगा ये लेकिन वो इतना बेचारा रूहान सा हो गया बिल्कुल उसकी आंखों में भी आंसू आ गए कहने लगे आपने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे मैं यही करूँगा अब फर्ज करें कि अगर वो किसी भी खातून को चाहे वो मुसलमान हो ना हो इंसान अगर उसको चार की जगह वो छः दे रहा है और हमारे कहने की वजह से उसको टके का भी नुकसान नहीं हो रहा उसको फ़ायदा हो रहा है यानी फ़ारग बैठे थे चलो ये आया वो गया कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा अगर ये रहमदिली ममिन में नज़र आए तो ख़ुद ब खुद लोगों का रुझान होता है कि ये किसके मानने वाले हैं इतने अच्छे लोग अब अगर इसके बरक्स देखें कि ख़ुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता चीटिंग नज़र आए और पंजतन के और बारह आइम्मा के नाम लगे हों चीटिंग इंसान कर रहा हो और आइम्मा के नाम लिखे भी कड़ा उसके हाथ में हो चीटिंग कर रहा हो और बड़ी शान शौकत से उसने अंगूठियाँ पहनी भी हों जिसके ऊपर आइम्मा का नाम लिखा हो फर्ज़ करें यह ऐसा हो लिया हो कि जिससे नजर आ रहा हो कि ये शिया है क्या होगा इसका नतीजा ये वो चीज है कि जिसके लिए मामे जाफर साद्लाम ने फरमाया कोनो लना दो आतन बैर अलसन और फिर इन्हीं लोगों के लिए फरमाया लना जैना वकून वा शीना हमारे लिए इज्जत का सबब बनो जिल्लत का सबब न बनो अब अगर कोई मसला तो हमारी गुफ्तगु सुन रहा है टैक्सी चलाता है हमने बाज अपने दोस्तों को भी कहा अमेरिका में जो टैक्सी चलाते थे कि अगर कोई चीज़ भूल जाए आदमी तो ज़ाहिर है कि आप 50 किलोमीटर तो नहीं जा सकते उस चीज़ को रखें जब मुमकिन से घर पे जाके उसको दें और जब उसको ताज्जुब हो कि वाखन इतनी सी चीज़ देने आया है तो उसको बताएँ कि हम कौन हैं इंट्रोडक्शन कराएं अपना कि हमें आप फकत एशियन ना समझें हमें आप फकत साउथ एशियन ना समझें हमें आज फकत इंडो पाकिस्तान का ना समझें हम ये हैं हम अगर ये आपकी चीज पलटाने आए हैं तो इस वजह से पलटाने आए क्योंकि हम इनको मानते हैं इनका नाम लेते हैं और इनके हुक्म के मुताबिक करने आए हैं ऐन न यही कैफियत होनी चाहिए पड़ोसियों के साथ चाह साथ चाहे वो ईसाई हों चाहे वो यहूदी हों चाहे वो बुद्धिस्ट हों चाहे वो हिंदू हों चाहे वो सिख हों अम्बिया और सलाम जब बंदगा ख़ुदा की खिदमत करते हैं तो उसमें चीज़ों को नहीं देखते अलबत् एक कैटेगरी तमाम इंसानों की है तो जब हम कहते हैं इंसानों की खिदमत करें तो क्या हम ये कहते हैं जानवरों पर म करें हा? हम ये कह रहे हैं कि इंसानों की खिदमत करें लेकिन इसमें कहीं ये मौजू नहीं है कि जानवरों पर म करें लेकिन फ़र्ज़ कर लें तूफ़ान आया है जानवरों को बचाना है एक बकरी है एक आदमी है दोनों बच सकते हैं तो क्या करना चाहिए दोनों को बचा लो अगर हजार बकरियाँ और हज़ार आदमी हैं तो किसको बचाना है पहले इंसानों को पैसे अगर देने हैं तो किसको देने हैं आपको यहाँ से अगर आप कमा के भेज रहे हैं तो किसको कमा के भेजेंगे पाकिस्तान में यतीम खाने को या पहले अपने माँ बाप को माँ बाप को बीवी बच्चों को तो ये जो इस्लाम में कैटेगरीज हैं ये अखली अहबार से और शर्य और फ़ीर अहबार से ही अलग मौजू है लेकिन इन कैटेगरीज़ को अहमियत दी गई है क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी है लेकिन इसके माना ये नहीं है कि हम दूसरों पर म करें जुलम किसी पर नहीं करना चाहिए सलबात पुनः बर महम्मद वाले महम्मद पिछले से पिछली दफ़ा हमने जो दो रिवायतें पढ़ी थी कि अल्लाह सुबहाना व तर्शाद है कि जिसने मेरे बंदे को अजीय दी उसने मुझसे जंग का ऐलान किया और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिसने किसी मोमिन को अजियत दी उसने मुझे असियत दी ये हम दोबारा यूँ बयान कर रहे हैं कि जो ना आया हो वो भी सुन ले और जिसने सुना है उसे याद रहे अब जो अजियत है ये लोग समझते हैं तो गाली देना तंग करना क्लशनकोफ निकाल के मुंह ढाक के मारना क्या यही अजीयत है ना किसी कस्म की भी अजियत नहीं देनी चाहिए और ये अपने बारे में काफ़ी इंसान को सोचना चाहिए कि ये जो मेरा एटीट्यूड था अजियत का सबब बना या नहीं बना यानी वाकई नहीं सोचना चाहिए हम भी यहाँ बैठे हैं तो मुराद है ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े अच्छे हैं ना यानी हमें बाद पता चलना चाहिए कि इस वक्त ये मेरी बात जो है बज़ाहिर मैंने नॉर्मली इसको सामने वाले को बुरी लगी कि सही लगी अब हम कन्फ्यूज़ हैं नहीं या तो सही थी कन्फर्म है सही कोई बात नहीं कन्फर्म है बुरा तो उजर खाई करनी चाहिए कन्फर्म नहीं है तो भी फिर इंसान उजर खाई कर ले कि आपको ऐसा महसूस तो नहीं हुआ अगर हुआ है तो बहुत सॉरी क्या होगा इससे कुछ चला जाएगा कुछ नहीं जाता और ज़्यादा एहतराम मिलता है याद रखें अब यहाँ पर एक रिवायत है रसूल वसल्लम से नकल हुई मन नजरा इलाल नजर मन नजरा अला मोमिन जिसने देखा किसी मोमिन को युफ़ह बेहा कि जिसके ज़रिए से डराए अब यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि बच्चों को डरा दिया या मिसाल के तौर पर आप स्कूल में हैं तो ज़रा से नाराज़ हो गए खैर मारना पीटना तो वो भी सही नहीं है नाराजी अजियत देने वाली बात हो रही है ये सारी दुनिया जानती है कि तरबियत में नाराज होना अलग है किसी गरीब पे नाराज़ होना अलग है मज़र अला ममिन नजरतान यकीफ़ हूँ बेहा जो किसी मोमिन को देखे ऐसी नज़र से कि जिससे उसको डरा रहा हो अम ला झुल्हू कि अल्लाह सुबहाना हूँ दिन के जिस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय उसके उस दिन उसे डराएगा यानी क्या मुराद कि ये जो हमने एक आंख से किसी को देख के डराया है या उसकी इंसल्ट की है इसका नतीजा कयामत के दिन निकलेगा याद रखें दुनिया में कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसका रिएक्शन न हो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ये ये इसका रिएक्शन कोई नहीं है बिलाखिर एनर्जी वेस्ट हुई लेकिन हाँ ये हमने ऐसे कर लिया कोई बात नहीं है लेकिन अगर इसी इशारे से किसी की इंसल्ट की है, निकलो नहीं ये निकलो दोनों में फ़र्क नहीं है जमीन तसमान किसी से आप कहिए क्या माना इसे? है इसे तशरीफ लाइए फ़ारक है या अजियत है ये लो ये लीजिए एक एक्शन है लेकिन याद रखें इंसान की ज़िंदगी में कब्र में बरज़ में और आख़रत में इन तमाम एक्शंस का हिसाब है कि आपने एहतराम से दिया या कैसे दिया एहतराम से बुलाया जिल्लत से बुलाया लिहाजा इंसान जितना डाउन टू अर्थ हो याद रखें वो अपने साथ अच्छा कर रहा है चाहे कोई उसको बेवकूफ़ समझे कुछ समझे वो समझ रहा है समझने दें बाजा लोग कहते हैं अच्छी तरह मिलते हैं लोग सर पर चढ़ जाते हैं चढ़ने दें थे। चढ़ने दें से क्या मुराद हम अच्छा काम करते रहें बेवकूफ़ ना बने ये हमारा चलना चाहिए ये दो अलग अलग चीज़ें याद रखें सामने वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा है ये अलग बात है यहाँ इसकी बात नहीं हो रही कि जी आप बेवकूफ़ बन जाएं लेकिन सामने वाला हमसे डर नहीं रहा तो क्या बान ज़रूरी है डरे हमसे हमारे यहाँ एक मैंटेलिटी होती है हमारे यहाँ सारी दुनिया में और बहुत इंडिया पाकिस्तान में और खसूसा अगर आप चले जाएँ देहातों में कि डराया जाए डराना जो है वो सही नहीं है एक चीज होती है डराना एक चीज होती है थोड़ा सा रिजर्व रहना बाजा लोग कहते हैं कि भाई हम इनसे अच्छी तरह मिले तो ये तो बेहूदगी होता रहा है ना आप अच्छी तरह नहीं मिले आप रिजर्व नहीं रहे ये दो तो अलग अलग चीजें होती हैं ये किसने कहा है कि जो हमारे यहां काम कर रहे हैं हम उनको लतीफे सुनाएं बेहुदा किस्म के वो तो जब एक लतीफा बेहुदा आप सुनाएंगे दो वो सुनाएगा यानी अदल किया जाए इंसाफ किया जाए एहतराम किया जाए उनके प्रॉब्लम को समझा जाए लेकिन क्या है कि अगर आप महसूस हो रहा है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं बेवकूफ़ ना बने अगर महसूस हो रहा है वो बेज़ती कर रहे हैं तो ना बेज़ती ना करें यानी बेजती ना सहें प्यार से डील करें तो इन चीज़ों को बड़ा बैलेंस रखना है बैलेंस रखते में जो है इंसान ख़ुद ब खुद बज़ दफ़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है उसको तो समझ में नहीं आता कि ये वाकई इस वक्त मैंने सही किया या नहीं किया सही किया या नहीं किया यही वो चीज़ है कि जिसको हमारे यहाँ इलम अखलाक में कहा जाता है मुराकबा मुराकबा जो है वो सूफियों वाला नहीं वो दरवेशों वाला नहीं वो राहबों वाला नहीं कि मस सारी दुनिया से कट के जो है वो ऐसे बैठे ना मुराकबे के मुराद होती है कि अपने ऊपर जासूस लगाना अपने ऊपर पड़ोसन के ऊपर नहीं किसी और के ऊपर नहीं पड़ोसी के ऊपर ये रिश्तेदार पर नहीं अपने ऊपर जासूस यानी अपने ऊपर तवज्जो देना कि मेरा ये काम सही था कि नहीं था मिसाल के तौर पर इंडिया के गाले में दीन थे कि जिनका नाम मैं भूल गया और जिन्होंने मुझे वाकया बताया था उनका भी इंतकाल हो गया फिर मैंने कईयों से पूछना चाहा नहीं पता चला जहां तक मेरे जहन में था कि एक मौलाना सिप्तन साहब होते थे बड़े शायद उनके बारे में लेकिन बिल आखिर दीन के बारे में अब आप देखें इसको कहते हैं मराकबा मराकबे से क्या मुराद है पीछे लग जाना मुराकबत किसके पीछे दूसरों के नहीं अपने पीछे अपने पीछे लगने से क्या मुराद कि सोचना इसी के बारे में रवायात में आया है कि हर रोज़ जो है अपना हिसाब करो हासेबु कबलान तो हाँ बल्कि हर रोज हिसाब करो क्या हिसाब करो ये मैंने सही किया था नहीं किया था ये सही था वो गलत था बस ये नहीं होना चाहिए अच्छा नहीं मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा सही है या गलत है तो यहाँ पर इंसान लग जाए पीछे अब एक, एक एक्टर थे कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए और लॉस एंजल्स में उनका इंतक़ाल हुआ कई दफ़ा मैंने उनका जिक्र किया पहले चाइल्ड एक्टर थे फिर वो हीरो आ गए थे उनका असल नाम था नज़ीर हुसैन और फिल्मी नाम था उनका रतन कुमार जो मैं ना जानबूझ के नाम ले रहा हूँ बहुत नेक थे और उनकी क्योंकि वो बचपन में चले गए थे याद रखें वो बात के नेक थे बेचारे के चार पाँच साल के आ गए थे फिल्म में उसके बाद वो उसी में रहे फिर नौजवानी में भी उसी में गए बाद में इतने नमाजी परिजगार सबसे मिलना जुलना भी उन्होंने यानी इस लाइन से बिल्कुल दूर हो गए थे और उनकी खुद जवाजा कि अल्लाह उन बीमार हैं अल्लाह उनको शफ़ा कामिलता फ़रमाए तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि एक दिन वो इतने परेशान थे क्योंकि वो भी बीमार हो गए थे बड़े परेशान थे तो कहा क्या सोच रहे हैं आप मैंने के मैं बस बड़ा जोर लगा रहा हूँ कई दिन से क्या मैंने किसी को अजियत दी है कभी जुमला कितना सादा लग रहा है जुमला ये होते हैं मोमिन इस वजह से मैंने बताया कि वो थे चाइल्ड एक्टर बाद में फिल्मों में आ गए थे अब आप सोचें एक आदमी जो बचपन से नमाजी और हर वक्त अजियत देता हो उसकी नमाज अच्छी चीज़ है मगर ये सही मोमिन नहीं है ये सिर्फ़ नमाजी है याद रखें सिर्फ नमाजी होना अलग बात है मोमिन होना अलग बात है वो ये कह रहे हैं मैं कई दिन से जोर लगा रहा हूँ और हिसाब कर रहा हूँ देख रहा हूँ क्या मैंने कभी किसी को अजीय दी है उनके मैसेज उनके सब कहते हैं कभी किसी से सख्ती से बात नहीं किसी को तंग नहीं किया कभी फिर कहने लगे कि हाँ मैं एक दफ़ा शूटिंग पर जा रहा था और मैं लेट हो गया था जो मेरे यहाँ काम करता था कपड़े स्त्री करता था और सब कुछ करता था उसको मैंने डांटा था और उसकी माफी मांग रहे थे कि अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे सलवाद पढ़े मेरे मोहम्मद तो इंसान अजीगत देने वाला ना हो और ये वो सिफत है कि अगर इंसान में आ जाए जैसे खुश रिवायत में भी है कि अगर किसी को डरा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होंगे फिर इन चीज़ों को इंसान सीरियस ले बज़ दफ़ा शैतान इन्हीं दुआओं से और ज़्यारतों से आता है और इबादतों से क्या कहता है कोई बात नहीं तुम नमाजी हो दो रकत नमाज और पढ़ लो जियारतें और पढ़ लो उम्र पे और चले जाना वो चीज़ें दर हकीकत हमें हमारी बदआमालियों से दूर कर रही होती हैं यानी बदआमालियों पर्दा डाल रही होती हैं लिहाजा हमारे जहन में क्या रहता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा आदमी क्योंकि मैंने उम्रा किया है जबकि होना क्या चाहिए था ना उम्र अलग फ़ील्ड है बाबा ये बिल्कुल ये नमाज़ बिल्कुल अलग मामला है ये अल्लाह से इसका ताल्लुक है इंसानों के साथ कैसा ताल्लुक है इसको इसके साथ खल्त नहीं करना चाहिए नमाज कजा हुई है तो यह इंसान सोचे कि नहीं मैं नमाजें अदा कर दूंगा यह उससे रिलेटेड है इंसान पर जुल्म हुआ है तो उसका जुबरान जो है हज और उमरे से और जियारतों से नहीं होगा इंसान पर जो जुल्म हुआ है उसका जुबरान नमाज शब से नहीं होगा कि आज मैंने इसका पैसा खाया रात को नमाज शब पढ़ लूं बेकार इस आदमी से मैंने बदतमीजी की है मैं नमाज शब पढ़ लूं शब जुमा जो है मैं दुआए कोमैल पढ़ लूँ सुबह जो मैंने किसी को अजियत है चीटिंग की वो मसला हल हो जाएगा ना ऐसा कुछ नहीं है बस ये जो बाज़ इबादतें हैं ये बाज़ गुनाहगारों को मिसगाइड कर रही होती हैं यानी बता रही होती हैं उनको लोरी दे रही होती है तो अच्छे आदमी हो हमें उसको भी बताना चाहिए और ख़ुद भी जान लेना चाहिए नाम अच्छे आदमी नहीं हैं हम गर्दन टेढ़ी करके दुआए कमैल के खिलाड़ी हैं नमाजें पढ़ने के खिलाड़ी हैं अल्लाह के साथ कभी कभी रबता सही कर लेते हैं लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ हमारा रबता बहुत ख़राब है ये चीज़ें बिल्कुल अलग होनी चाहिए और दुआ है कि खुदाबंद मुबारक वाता हम सब को तोफ़ी ख़दा फरमाएं कि चाहे अल्लाह का हक हो वो भी अदा करें और चाहे बंदों का हक है वो भी अदा करें ना ऐसे हो जाएं कि वेलफेयर का, का काम करेंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे और ना ऐसे हो जाएं कि जी हज व ज्यारत और उम्र करेंगे लेकिन सबको तंग करेंगे जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक दफा गया मैं तो जाहिर रमजान का ही महीना था या। तो कह रहा था जितने चीटर हैं यहां पर सब उम्र पे गए हुए <laughs> उसने कहा जितने बड़े बड़े चीटर हैं इस वक्त और उसने एक बात कही जो बड़ी अच्छी है आपको अच्छी कहें सब आने के बाद ये कहते हैं कि इतना अच्छा व्यू था कमरे का हरम नजर आ रहा था <laughs> यानी है भी मालदार फाइव स्टार होटल है अच्छी लोकेशन है वहीं से अल्लाह को देख लिया उन्होंने माजअल्ला अल्लाह <laughs> अल्लाह ने कोई लुफ्फ करम नहीं किया है वो होटल से उन्होंने ऐसे करके देख लिया है कहते हैं जी बड़ा अच्छा बड़ा माशा बड़ा अच्छा रहा हरम नजर आ रहा था कमरे से उनको हरम ही नजर आ सकता है कमरे से जबकि असल इंसान वो है जिसको हर जगह हर वक्त अल्लाह नजर आए शलवा पुणे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद लिजा इंसानियत वाला जो मौजूद है वो बाज़ लोगों ने संभाल लिया है और शरीयत को भूल गए हैं। बाज़ लोगों ने सिर्फ ज़ाहरी आमाल ले लिया है इंसानियत को भूल गए बाज़ लोगों ने इन जानवरों को संभाल लिया है इंसान को भूल गए यानी जानवरों में इतने गर्क हो गए कि अपने सगे भाई को पैसे नहीं दे सकते अपने कज़न को पैसे नहीं दे सकते कुत्तों को दे देंगे यानी खुद एक हमारे दोस्त उम के दोस्त वो कराची में इतने परेशान थे कि उन्होंने चौदह अगस्त को बाकायदा गुब्बारे बेचे बाजा लोग कहते हैं मौलवियों के मजे आए हुए ना चौदह अगस्त को गुब्बारे बेचे उन्होंने और उन्होंने कहा कि मैं क्या करता कुछ नहीं था और उनके कजन मुझे बता रहे थे कि जो डिफेंस में रहते थे कि हमारे फार्म हाउस पर कबूतरों का जो खर्चा है वो पच्चीस हजार का है ये बारह पंद्रह ये टू थाउजेंड वन की बात है हमारे फार्म हाउस पर जो कबूतरों का खर्चा है वो पच्चीस हजार है। सब इंसान बाजाफ में गुमराह हो जाता है कि मैं कबूतरों को दाना दे रहा हूँ कबूतर अल्लाह की मखलूक है बाबा कबूतर अल्लाह की मखलूक है कबूतर जो है इधर उधर खा लेंगे कबूतरों पर चोरी नहीं है खैर वो पा लें तो अलग बात है लेकिन क्या आपने कजन्स को कभी देखा तुमने उन्होंने कभी अपने कजन्स को नहीं देखा मिलियनर लोग थे कभी अपने गरीब कज़न्स को नहीं देखा तो ये जहन में रहें कि कबूतर जो है ना कबूतर का दाना ये अच्छा काम है लेकिन इस दाने से ये जो कजन पे आप जुल्म कर रहे हैं या जो उसकी तवज्जो नहीं दे रहे हैं ये इसको इससे ना मिलाएं हर चीज को अलग अलग रखें नमाज को अलग जियारतों को अलग इबादात को अलग और इंसानियत को अलग हैवान के साथ नेकी को अलग हैवान के साथ भी नेकी करनी है इंसान के साथ भी नेकी करनी है नमाज भी पढ़नी है ये सारे काम करने तब जाके इंसान बनता है मोमिन किसी एक चीज को करने से मोमिन नहीं बनता उस एक चीज को करने से वो मुमकिन है फत उस फील्ड का खिलाड़ी बन जाए मसून के जी हम तो हज पे जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफे अवल के चीटर हैं और बाकायदगी से उमरा करने वाले हैं बाकायदगी से ज्यारतें करने वाले हैं वो उनकी तफरी है और शब जुमा के अमाल में से एक अहम तरीन अमल है जियारत इमाम हुसैन और इसी जियारत के जरिए से हम दुनिया भी हासिल कर सकते हैं आखरत भी हासिल कर सकते हैं और एक अमल के जो हमें करना चाहिए इमाम हुसैन सलाम से तवसल के जरिए वो ये कि यह मौला हमारे ज़मीर को बेदार फरमा दें हमें सेंसिटिव बना दें हमें ऐसा बना दें कि हम सोचें कि आपके चाहने वालों के साथ खसूस और बाकी अल्लाह की मखलूक के साथ कभी हमसे नादानी में भी कोताही ना हो जाए वो वाक़ जो सुनाते सुनाते में निकल गया एक दूसरे मौजू पर तो वो सुना के ताकि मराकबे के सही माना पता चलें कि वो जो आलिम थे इंडिया के वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे और उनके खेत में उनकी घोड़ी या घोड़ा दौड़ रहा था उन्होंने उसको आवाज़ लगाई घोड़ी को या घोड़े को जो भी था तो वो नहीं आया जब नहीं आया तो उन्होंने अपने कुर्ते को ऐसे किया और उसमें ऐसे ऐसे शुरू किया तो आ गया क्यों आ गया क्योंकि उसमें उसका खाना होता था बाज दफा जब वो आया तो उन्होंने पकड़ा और बांध दिया अच्छा जानवर को खाना देना जरूरी है बिल्कुल जरूरी है अच्छा जानवर को ऐसे अगर बुलाया धोखे से तो हराम है ना याद रखें इंसान को धोखा देना गलत है हाँ जानवर को भी धोखा देना गलत है जुल्म के लिए लेकिन ना यहाँ इसको बांधने का टाइम था बांध दिया कोई बुराई की कोई बुराई नहीं की लेकिन इन आलिम के लिए एक बहुत सख्त मरहला आ गया आप जानते हैं कब आ गया एक साहब ने कहा अरे जनाब आपने तो बहुत अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की कहने क्या कह ये जो आपने इसको बुलाने के लिए ऐसे किया और बांध दिया तो एकदम से वो शौक में आए और उसके बाद कई दिन तक उन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई आप जानते हैं क्यों कोई उन्होंने हराम काम नहीं किया वो ये कह रहे थे कि ये मैं काम जब मैंने किया है ये वाला अपने दामन में ऐसे जो हाथ चलाया है ये करते वक्त मेरी तवज्जो नहीं थी उसने दिलाई ना कि आपने अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की वो इतने अलर्ट थे कि जो मैं काम करूं वो काम करने से पहले मेरी पूरी तवज्जो होनी चाहिए कि अब ये काम मैं करने जा रहा हूं कहने लगे तुमने मुझे तवज्जो दिलाई है अगर तुम मुझे तवज्जो ना दिलाते तो उस वक्त मेरी इंटेंशन यानी करते वक्त मेरी आदत हो गई थी तो इसका मतलब है अगर ये काम कि जो हराम नहीं है ये मैं करूं और मेरी तवज्जो ना हो और करने से पहले मेरा इरादा ना हो तो इसका मतलब है मैं तो कभी भी कुछ भी कर सकता हूं और कभी भी कुछ भी कर सकता हूं इसका मतलब है कभी भी कुछ भी गुनाह भी कर सकता हूं किसी पे जुल्म भी कर सकता हूं और मुझे तवज्जो ही शायद ना हो अगर कोई तवज्जो दिलाने वाला ना हो तो अपने आप को सजा के तौर पर उन्होंने कई दिन तक नमाज जमात नहीं पढ़ाई किसी और को भेजा आप अंदाजा लगाएं गुना नहीं किया सिर्फ ये कि ये वाला काम करने से पहले मेरी पूरी तवज्जो होनी चाहिए थी कि अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ सलवा पढ़े बर मोहम्मद महम्मद मोहम्मद और साथ ही एक सलवा पढ़े तमामाएं बुजुर्गान और महाराजे के लिए और दीन का पैगाम जो पहुँचाने वाले दुनिया से गुजर गए उन सबके दर्जात की बुलंदी के लिए बर महम्मद वाल महम्मद सलाबात कोई भी हाजत हो उसके लिए जो एक बेहतरीन राह है वो जिक्र इमाम हुसैन असलात है वजह यह है कि अंबिया ने भी मसाइब उठाए अशरफुल अंबिया ने खूस मसाइब उठाए मौला अमिरमन ने भी मसाइब उठाए जनाब सैदा ने इमाम हसन ने और बाकी आइम्मा ने भी लेकिन जैसे मसाइब के जरिए अल्लाह सुबहाना व ने तौाम हुसैन से इम्तिहान लिया ऐसा इम्तिहान किसी से नहीं लिया लिहाजा रिवायतों में नकल हुआ कि सभी सफीना तो निजात हैं लेकिन इमाम हुसैन की कश्ती बड़ी भी है और तेज भी है वसी भी है ओसा भी है और सरी भी है अज्जु रकुमल यही वजह है सलाम की ज़्यादत भी कसरत से की जाती है ताकि उनके मसायब याद रहें और उनकी क़ुरबानी याद रहे कि अल्लाह सुबहाना ताला ने फ़रमाया था लन तनाल राफ़िक मम्म तो हबूं कि नेकी के मक़ाम पर उस वक्त फायज़ नहीं हो सकते जब तक जिन चीज़ों से तुम महब्बत करते हो उनमें से कुछ क़ुरबान ना हो जाएँ उन्होंने कुछ क़ुरबान नहीं किया बल्कि अपना सब कुछ कुरबान कर दिया अज्जुम बस एक मुसीबत की जानब तवज्जो दिलाएं कि आयम सलाम जहां इल्म में सबसे बुलंद हैं जहां शुजात में सबसे बुलंद हैं और जहां मार्फत में सबसे बुलंद हैं और इमाम हुसैन बचपन से एक चीज़ के लिए तैयार किए गए लिहाजा असर आशूर के जो मसाइब थे वो अलग लेकिन तमाम जिंदगी इन मसाइब के लिए तैयार रहे और हर हर लहजा उनका इम्तहान हो रहा था रसूल अल्लाह का भी इम्तहान था मौला अमीरम्न का भी इम्तहान था जनाब सैदा का भी इम्तहान था इमाम हसन का भी इम्तहान था वो लेकिन इमाम हुसैन के लिए भी सख्त इम्तहान था और वो इम्तहान ये था कि अम्बिया और आयमा इन तमाम सफ़ात में सबसे बुलंद मक़ाम पर हैं तो वहाँ गैरत में और हया में भी सबसे बुलंद मक़ाम पर हैं और इमाम हुसैन को ये हुक्म था कि जब दीन को बचाने के लिए ले जाना है तो अपनी बहनों को भी ले जाना है और अपनी बेटियों को भी ले जाना है और इमाम हुसैन सब कुछ करने को तैयार थे सब कुर्बानियाँ देने तैयार तो 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 थे बस मसायब खत्म हो गए सवाल किया जाएगा कि इमाम हुसैन ने क्या क्या कुर्बान किया तो क्या गुफ्तु यहां आके रुकेगी कि अपने भाइयों को भतीजों को बेटे बेटों को आल को अंसार को को दोस्तों अब सबको कुर्बान कर दिया हता तो अपना तो सर भी कुर्बान कर दिया तो, तो, गी दिया गी तो, तो, तो दिया क्या सर इमाम पर गुफ्तु खत्म हो जाएगी कहा जाएगा नहीं इमाम हुसैन ने अपना सर नहीं बल्कि अपनी बहनों की और बेटियों की सरों की चादरों को भी कुर्बान कर दिया मातम हुसैन